As the great Nelson Mandela said, "If you want the cooperation of humans around you, you must make them feel they are important. And you do that by being genuine and humble." So to witness the society that shares a bond, the people who stood together with a martyr's family, we reached India's western land, Rajasthan. जब किसी घर का बेटा शहीद होता है, हम में से बहुत लोग उस परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, बस एक छोटा सा स्टेप नहीं ले पाते। हाय नाम, वेलकम यू टू अनदर एपिसोड ऑफ इनसाइड रियल, एंड दिस टाइम वी आर इन जैसलमेर। इनिशियली मैं था, मेरे साथ एक गौरव सिंह राजपुरोहित, एक सोशल एक्टिविस्ट है जो जयपुर में रहते हैं, वो मेरे साथ थे। एक सुमेर सिंह लोधरुआ है जो राजकमल प्रकाशन के सोशल मीडिया एडिटर हैं, वो मेरे साथ थे। और एक मेरे फ्रेंड हैं जो न्यूज एडिटिंग में है, सिकंदर शेख, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इसको नेशनल लेवल पर ले जाने के लिए। This is not a view of a rally or a protest. This is a live example of a feeling that we all carry in our hearts. It also shows the way social media should be really used. This is the society standing together for a martyr's sacrifice, irrespective of any community. This is India. So I was blank ki humne kuch socha nahi tha sir. To unhone kaha kyun na hum sab milke ek aisa kuch initiative le jisse funds arrange karaya ja sake. ना कि अपन वेट करें कोई अक्षय कुमार आके हमको हेल्प करें या गवर्नमेंट को हेल्प करें या सेंट्रल है या स्टेट गवर्नमेंट है। मेरा नाम सुजान सिंह है, मैं जैसलमेर के जानरा गांव का रहने वाला हूँ और मैं एक पर्यटन व्यवसायी हूँ। आपको कैसा लगता है जब मतलब बड़े नाम नहीं आते हैं सामने, जो मतलब बाहर लोग नारे लगाते हैं इतने ज़्यादा, और ऐसे जब जरूरत होती है ऐसे इवेंट्स पे वो डन हो, तो उस टाइम कैसा फील होता है? बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है कि हम लोग, अगर मैं कहूँ तो एक कॉमन मैन होता है वो, ये चीज़ें जो है देशभक्ति, शहीद, सेना, ये बहुत इमोशनल कंटेंट है, हम लोग उससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए महसूस करते हैं। लेकिन ऐसे जो लोग जो आपकी डेली लाइफ में आप इंटरफेयर करते हैं, वो कि आप इवेंट में आइए, हम भारत माता का ये पूजन कर रहे हैं या हम भारत माता की जय लगा रहे हैं, किसी ने वंदे मातरम नहीं बोला तो झापड़ मार दिया, वो लोग बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं आए। मतलब मैं कहूँगा 5% लोगों का मुझे इसमें सहयोग मिला है, तो ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लगने वाली बात है। Can we call जैसलमेर a one big family? जी बिल्कुल, आप कह सकते हो। जैसलमेर में कभी भी मैंने नहीं देखा कि कोई सांप्रदायिक एक कलेश चल रहा है या दंगा हो रहा है या कोई कम्युनिटी टेंशन हो रही है। तो यहाँ पे सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, पहले से भी लोग एक दूसरे की फैमिली की तरह रहते थे। और मतलब ऐसा है कि जो मुसलमान है उनका जैसे जाति है जंज भाटी हो, तो हम उनको मामा बोलते हैं, तो उनकी तरफ से भी वो रिस्पॉन्स आता है कि यार भांजे अपने। और इस मुहिम में मैं कहूँगा मुझे हर कम्युनिटी का साथ मिला, जो बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ है। जैसे मेरे को आप डेफिनेटली यू कैन कॉल वन बिग फैमिली, एंड प्राउड फील हो रहा है, वन वर्ड अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हमने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे इतना कुछ वूपिंग रिस्पॉन्स मिल जाए। तो बेसिकली क्या हुआ, जब हमने स्टार्ट किया तो बहुत छोटे लेवल पर हमने स्टार्ट किया, फेसबुक से हमने एक पोस्ट बनाई, बहुत सारे थॉट प्रोसेस देने के बाद किस तरह से हम पेश करें, कैसा लगेगा लोगों में, क्या रिएक्शन आएगा, तो हमने उसको सारी चीज़ों को एक नापी तोली अप्रोच के साथ हमने उसको प्रेजेंट किया। अकाउंट डिटेल्स हमने वेरीफाई की और हमने जैसे कैंपेन लॉन्च किया उसके मतलब 10-12 घंटे जो लगते हैं रिएक्शंस आने में, तो उसमें लोगों के थ्रेट कॉल्स भी मेरे पास आए कि हम आपको जेल भिजवा देंगे, आप जो ये कर रहे हो किससे पूछ के कर रहे हो, हम शहीद की इमीडिएट फैमिली है, हमको बताया नहीं किससे पूछा, या फिर आप जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं है, अकाउंट डिटेल्स वेरीफाइड हैं कि नहीं वेरीफाइड है। और उस मेरे खिलाफ जो एसपी ऑफिस जिला ऑफिस है वहाँ पे परिवाद दायर किया गया कि एक बंदा है जो एक फेक अकाउंट डिटेल के साथ इमोशंस के साथ खेल रहा है। लोगों ने एक दिन शायद मोहनगढ़ बंद भी रखा था जो शहीद का पैतृक गाँव है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें थोड़ी धुंधली होती है तो आप हमेशा पाते हो कि अगर आप 20 लोग का एक सर्कल देख रहे हो तो फिर आपको 5 लोग दिखेंगे या इमीडिएट फैमिली मेम्बर दिखेंगे। तो ये चीज़ बुरी लगती है कि जो नेता है जिनको फ्रंट दे शुड लीड बाय एग्जांपल, वो सिर्फ पर्दे तक रहते हैं, नेपथ्य में रहते हैं, अपना गेम चलाते हैं, और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसमें बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं।
आई डोंट नो उनका क्या रीजन है, अगर मैं उनकी जगह होता तो मुझे इसमें फुल फ्लैश करना चाहिए था। सामने पड़ा था कि उस नेक्स्ट डे वो क्रेमेशन के नेक्स्ट डे वापस वो आता फील्ड में चले गए थे काम करने के लिए, उसके बारे में। हाँ जी, शहीद का जो भाई है छोटा, उसका नाम समंदर सिंह है, तो क्रेमेशन के नेक्स्ट डे नहीं, क्रेमेशन के 2 घंटे के अंदर अंदर वो उसी करता हुए पथ पर चला गया, वहाँ से रवाना हो गया। दिस इज वेरी यू नो डिफिकल्ट स्टफ कि आपके भाई की चिता की अग्नि को आप मुखाग्नि देके निकल रहे हो, उसकी चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई, आप इतना बोल्ड डिसीजन ले सकते हो, ये सबके लिए मोटिवेशनल फैक्टर है। और मैं उसके तुरंत 2 घंटे बाद सेना भर्ती के लिए वहाँ रवाना हो गया, और मेरे मन में वो आ गया कि जब मेरे भाई ने जो काम अधूरा छोड़ दिया बिल्कुल उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। मेरा नाम समुंदर सिंह भाटी, अमर शहीद राजेंद्र सिंह का सबसे छोटा भाई। हमारे परिवार में सबसे बड़ी हमारी दादी जी है 85 साल की, उसके बाद हमारे चाचा जी है बैरू सिंह जी, उनके बाद मेरे से बड़े भाई है गोविंद सिंह, उसके बाद मैं हूँ, और मेरा भतीजा वीरेंद्र सिंह, और 2 भाभियाँ हैं, इनकी एज 2 साल है, और इनका नाम वीरेंद्र सिंह। ये उनके बेटे हैं। मतलब वो एक इंसान नहीं थे, हमारे लिए वो एक भगवान थे, क्योंकि जब हमारे माता पिता की डेथ हो गई थी तब उन्होंने मुझे इस तरह पाला, मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी, उन्होंने कभी भी ऐसा मुझे लगा ही नहीं जिंदगी में कि मेरे माता पिता नहीं है मेरी लाइफ में, मतलब प्रत्येक चीज़ का साया दिया, एक भाई का दिया, पापा का दिया, मम्मी का दिया, हर जगह मेरा साथ दिया, मैं कहीं भी गया तो मेरा सपोर्ट किया, अगर मैं कहीं गिर भी गया, अगर पीछे हट भी गया तो मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए बोला कि समुंदर तू बैठ मत, कोशिश कर, कहते हैं वो हमेशा मुझे कहते थे कि मंजिलें मिल ही जाती है, भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो यहाँ से जो उनके साथ अफसर लोग आए थे तो उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ था, हकीकत में क्या बात थी, तो उनका कहना ये था कि हमारे जैसे राजेंद्र सिंह पोस्टिंग थे वहाँ बटुक में, उनका चार्ज सिर्फ इतना ही था कि वो जो बंदे है उनको अप डाउन करना, एंटर करना और अप बार करना। जब उनके पास फोन आया ऊपर से उनके सर का, उन्होंने बोला कि पार्टी किसी 2 बंदे को भेजना है, तो एक बंदा तैयार था, एक तैयार नहीं था, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना मैं चलता हूँ, वो तैयार नहीं है अर्जेंट तो मैं चलता हूँ, तो कि चलो। जब वो वहाँ गए तो उन्हें बाहर खड़े थे वो 10 घंटे से, वो लगातार प्रयास कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने का, पर वो बाहर नहीं निकल रहे थे, बंदी बना के रखा था, किसी को बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे, तब इन्होंने वो ऑपरेशन किया। शहीद राजेंद्र सिंह, द सन ऑफ मोहनगढ़, स्टिल ब्रीथ्स इन एवरी हाउसहोल्ड ऑफ द विलेज। द टेल्स ऑफ हिज करेज हैव बिकम अ बेडटाइम स्टोरी फॉर द यंगर वंस, बट एज द लोकल्स से, वी डोंट मोन, वी सेलिब्रेट। The spirit of this supreme sacrifice remain in the heart, mind, and the soul of the youth. मैं लोगों को मेरी तरफ से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि उन्हें कमजोर होकर बैठना नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ मेरी जिंदगी में मैंने बहुत सहन किया, पर मैं कमजोर होकर आज भी नहीं बैठा हूँ, आज ही मैं यही चाहता हूँ कि मैं मेहनत करूँगा। तो राजस्थान में पर्टिकुलरली एक चीज़ है कि वी डोंट मॉर्न वी सेलिब्रेट, कि भाई हमें रोने से कुछ नहीं मिलने वाला, अगर हमें कुछ करना है जीवन में तो उठ के अभी हासिल करना है। समझ करता आया वो समझा।
Tell us what you feel in the comment section below. And do not forget to hit the subscribe button. We'll see you very shortly with another story that you deserve to know. Until next time.